मुंबई के कांदिवली के रियान इंटरनेशनल स्कूल में भी सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम नहीं है, यह आरोप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने लगाया है। अभिभावकों से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल देव ने। घर से ज्यादा अगर हमारे और आपके बच्चे ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो होता है स्कूल, लेकिन प्रद्युमन की हत्या के बाद स्कूल में हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं इसका सवाल ज़रूर खड़ा हो गया है। हमारे और आपके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पर कितने सुरक्षित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त घर के बाद वो स्कूल में ही गुजारते हैं। अभिभावक इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस वक्त हम रियान इंटरनेशनल कांदिवली स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं। जिस तरह से गुरुग्राम में हुआ है वो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उस वारदात के बाद डर हो गया है पेरेंट्स के मन में, खौफ हो गया कि क्या हमारा बच्चा स्कूल में जब जाता है तो उसके साथ किस तरह से बिहेव होता होगा, किस तरह से स्कूल के प्रशासन के लोग बिहेव करते होंगे, अगर जब उसका खिलाफ करते हैं तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। एक्चुअली सही बात है कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि वो 9 से 3 बजे तक क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है अंदर, कौन जा रहा है, बच्चे सुरक्षित है, बच्चे सेफ वापस आएंगे कि नहीं। वास्तव में हमको बहुत डर है। अभी ये इंसिडेंट जो गुरुग्राम में हुआ है बहुत मतलब बोलने लायक, एक माँ के लिए तो बोलने लायक भी नहीं है कि देख भी नहीं पा रहे हम उस दूसरी माँ को। अगर ये हुआ है गुड़गांव में तो उनकी गलती है स्कूल वालों की, और उन्हें उन पे एक्शन लेना पड़ेगा, उनको ये सब बदलना पड़ेगा। आप पैसे चार्ज कर रहे हो, आप फैसिलिटी बढ़ाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ, एटलीस्ट फैसिलिटी बच्चों को मत दो बट सिक्योरिटी के नाम पे कुछ तो करो। वो है, एक्सपेक्टेशन है। चलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा पेरेंट्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि इनके जो बच्चे हैं वो क्या इस तरह के स्कूलों में महफूज हैं। कैमरामैन सत्यदेव के साथ राहुल देव शर्मा, 10 के साथ जनरल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।